भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष चितरंगी महेश वर्मा के साथ हमारे संवाददाता ओमकार द्विवेदी ने की खास बातचीत। आइए आपको दिखाते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपको एक ऐसे सबसे रूबरू कराते हैं। माननीय चितरंगी पूर्व मंडल अध्यक्ष माननीय महेश वर्मा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस न्यूज में। धन्यवाद आपको। सर आजकल पूरे अपने क्षेत्र में चितरंगी ब्लॉक में एक माहौल बना हुआ है कि राजस्व का कोई भी निपटारा बिना लेन देन के नहीं हो रहा है। राजस्व का कोई भी निपटारा जितने भी प्रकरण है बिना लेन देन के कोई भी नहीं हो रहा है। एक माहौल बना हुआ है समाज में, लोग परेशान है, चर्चा का विषय बना है। और अभी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर गोड़वाना स्टूडेंट मोर्चा निकाले थे, उन्होंने ज्ञापन सौंपा संयुक्त कलेक्टर को। तो सरकार आपकी है यहाँ से केंद्र तक, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोकल पार्टियां हमेशा, उनकी आदत है जब सरकार अच्छी काम करती है तो उस पर उंगली उठाते हैं जी। आज हमारा भारतवर्ष विश्व का गुरु बनने जा रहा है और हमारे नेता सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के हित में बहुत सारे काम किए। कुछ आजाद तक तो जो है उसको बरगलाने में, अभी जो शर्मनाक घटना हुई है रात को, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, सभी लोग निंदा करते हैं। हाँ, तो सारा देश कर रहा है। लेकिन जो बातें कुछ ऐसी सुनने में आई है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। राजस्व महकमे में सभी अधिकारी अच्छे हैं, शासन अपना है। हम अगर कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ियां आ रही हैं, हमको भी सुनने में आई, ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे आग्रह भी करूंगा और यहाँ की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राजस्व मंत्री महोदय के पास तक पहुँचाऊंगा कि कुछ निम्नक कुछ ऐसे कर्मचारी जो हैं जो राजस्व महकमे को बदनाम करने में तुले हुए हैं, मैं उनको सजेशन एक मीडिया माध्यम से देना चाहता हूँ कि अपने आप में सुधार ले आए। आखिर मैं इस बात को आगे तक बढ़ाने का कोशिश करूँगा, अब करूँगा। हाँ। इसमें अपने क्षेत्र की जनता को भला हो, सरकार हमारी है, सरकार के अनुरूप रहकर काम को करना है, सरकार के निर्देशानुसार का पालन करना है, जो सरकार की स्कीमें हैं उनको सुचारू रूप से पब्लिक बॉडी में पहुंचना चाहिए। ये सब बातें हमारी सरकारें कर रही हैं, नीचे बैठे लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि पार्टी के रूप सरकार के रूप नहीं काम कर पाते हैं, तो इस विवाद के लिए इस विषय को ऊपर आगे आप लोग बढ़ाएंगे। अपने ऊपर बैठे मंत्री हैं, अपने विधायक हैं, सब लोगों से बैठकर चर्चा करेंगे, फिर इस बात को आगे माननीय विधायक जी के द्वारा आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ही भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उस बात को हम लोग डायरेक्ट मिलकर बात करेंगे। संगठन भाजपा का संगठन अनुरूप काम करेंगे। सर कई क्षेत्रीय समस्या ऐसी है कि जैसे अभी आप स्टोन प्रेशर देख रहे हैं, दर्जनों हैं, अभी 2 साल के अंदर दर्जनों स्टोन प्रेशर लग गई चितरंगी ब्लॉक में, और 90% उसमें मीनू के आधार पे कोई नहीं लगी हुई है, सभी लीगल चल रही हैं। बगल के किसान गरीब परेशान हैं, हाई ब्लास्टिंग की जा रही है वहाँ पे, इन सब पे रोक नहीं हो रहा है। कई बार सोशल मीडिया द्वारा इसको जागरूक किया गया, मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ के SDM द्वारा या खनिज विभाग द्वारा इस पे। अब इस बात को लेकर अभी पहली बार हमारे संज्ञान में बात आई है जी, अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी, अभी मीडिया के माध्यम से मेरे पास आ रही है, तो इस बात को मैं अनुभागीय अधिकारी SDM साहब से बात करूंगा, आप इस पर ध्यान दें। और अगर ऐसी बात में इन सब कामों में अगर ब्लास्टिंग हो रही, घर में कहीं किसी का नुकसान हो रहा है जी, जिनका उनका जितना लीज है उस पर अपना वो काम करें। और चूंकि राजस्व की सब बातें होती हैं, राजस्व महकमे से बात करेंगे आप लोग, इसके आगे अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये बात विधायक जी तक भी पहुंचाई गई है, वो भी रूबरू हैं, कई लोग वहाँ अगर निवेदन कर चुके हैं विधायक जी से। लीज के बाहर से काम कर रहे हैं या किसी को छत पहुंचा रहे हैं तो इस पर कार्रवाई करने की मांग करूंगा। धन्यवाद वॉइस न्यूज में समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए चितरंगी से ओंकार द्विवेदी की रिपोर्ट।